नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र दौरा। महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। कोल्हापुर में दोपहर 12:45 पर करेंगे जनसभा। भोसरी में दोपहर 3:55 पर जनसभा संबोधित करेंगे सीएम योगी। वहीं दोपहर 2:15 कराड़ में जनसभा संबोधित करेंगे। भाजपा उम्मीदवार के जनसमर्थन में मांगेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र दौरा। आज महाराष्ट्र चुनाव में स्टार प्रचारक के बीच आज 3 जनसभाएं करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिर्जापुर से मिल रही है, जहां उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का आज कछवा क्षेत्र में आगमन। स्वामी अड़गड़ानंद महिला महाविद्यालय में जन चौपाल करेंगे 1:45 तक। जनपद में रहेंगे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक। दोपहर 2:15 पर मंदुआ में आयोजित जन चौपाल में प्रतिभाग। शाम 4:00 नवलपुर वाराणसी के लिए हो जाएंगे रवाना। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें मिर्जापुर से, जहां आज उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का कछुआ क्षेत्र में आगमन। वहीं इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती का महाराष्ट्र दौरा। आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगी सीएम, पूर्व सीएम। महाराष्ट्र राज्य के पुणे में चुनावी जनसभा करेंगी, पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगी जनसभा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती का महाराष्ट्र दौरा। आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगी पूर्व सीएम। महाराष्ट्र राज्य के पुणे में चुनावी जनसभा करेंगी, पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगी जनसभा। बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के बीच आज बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंचेंगी राज्य के पुणे में चुनावी जनसभा करने के लिए। मायावती महाराष्ट्र पहुंचेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती का यह महाराष्ट्र दौरा, महाराष्ट्र में चुनाव को देखते हुए लगातार सियासत तेज। पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में बसपा सुप्रीमो मायावती मांगेंगी वोट। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का मिर्जापुर दौरा। आज मिर्जापुर में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी ज्योतिबिंद के समर्थन में करेंगे जनसभा। बजवा को स्वामी गोविंदा आश्रम इंटर कॉलेज में बने अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। 3:15 स्वामी गोविंदा आश्रम इंटर कॉलेज में बने अस्थायी हेलीपैड से अयोध्या के लिए होंगे रवाना। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का मिर्जापुर दौरा। मिर्जापुर में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी ज्योति बिंद के समर्थन में करेंगे जनसभा। इसी बीच बड़ी खबर अलीगढ़ से मिल रही है, जहां राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज करेंगे जनसभा। खैर विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। एनडीए प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में करेंगे जनसभा। गौवत चौराहे पर दोपहर 1:00 से जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर इस वक्त की अलीगढ़ से आपको बता दें, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज करेंगे जनसभा। दोपहर 1:00 से जनसभा को करेंगे संबोधित। गौवत चौराहे पर जनसभा का आयोजन। एनडीए प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में जनसभा करेंगे जयंत चौधरी खैर विधानसभा में। वहीं से बीच बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता दें, जहां झांसी अग्निकांड में हमीरपुर की जुड़वा नवजात बच्चियों की मौत। बच्चियों के शव देख परिजनों में मची चीख पुकार। परिजनों ने लगाया अस्पताल पर लापरवाही के आरोप। बड़ी खबर इस वक्त की हमीरपुर से बता रहे हैं आपको, जहां झांसी अग्निकांड में हमीरपुर की 2 नवजात बच्चियों की मौत। नवजात के शव देखकर इलाके में मची अफरा तफरी। बच्चों के साथ वहां पे जहां बच्चे छुट्टी थी वहां पर आग लग गई होनी चाहिए सर। आग लग गई थी वहां काफी बच्चे थे वहां से निकाले सर। अब जिस प्रशासन की तरफ से काफी लापरवाही थी वहां पे बच्चों के साथ।
वहाँ पे जहाँ बच्चे छुट्टी थी वहाँ पर आग लग गई होनी चाहिए सर। आग लग गई थी वहाँ पर, काफ़ी बच्चे थे वहाँ से निकाले। सर अब जिस प्रशासन की तरफ से काफ़ी लापरवाही थी, काफ़ी बच्चे सर। बड़ी खबर इस वक्त की हमीरपुर से आपको बता दें, जहाँ झांसी अग्निकांड में हमीरपुर की जुड़वा नवजात बच्चियों की मौत, बच्चों के शव देख परिजनों में बच्ची की पुकार, परिजनों ने अस्पताल पर लगाए लापरवाही के आरोप। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें हमीरपुर से, जहां बीते दिनों हुए झांसी के अग्निकांड में हमीरपुर की दो जुड़वा नवजात बच्चियों की मौत। फिलहाल के लिए बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।